डे टू ऑफ वर्कला और मैं भी निकल रहा हूँ कापिल बीच के लिए. थोड़ा टाइम कापिल बीच पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट कायाकिंग एक्सपीरियंस करने के लिए. कायाकिंग एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं है और मैंग्रोव फॉरेस्ट बैक वाटर में पड़ता है. तो लेट्स सी, 3:30 ओपन है मैंग्रोव फॉरेस्ट और उससे पहले चिल करेंगे थोड़ा कापिल बीच और दिखाते हैं आपको यहाँ से कापिल बीच और मैंग्रोव फॉरेस्ट की जर्नी. सो अभी निकल गया हूँ कापिल बीच के लिए. यहाँ से अराउंड 10-12 मिनट्स का रास्ता है और सेकेंड डे है हमारा आज वर्कला में. दो तीन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मन है. कापिल बीच हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कायाकिंग हो गया और अगर टाइम लगा तो गोल्डन आइलैंड भी जाएंगे. तो दिखाते हैं आपको वर्कला में क्या कुछ और है. सो फार मेरा वर्कला का एक्सपीरियंस भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है. तो भाई मज़े ही आ गए हैं यहाँ पे आके. और बाकी देखते हैं आज का हमारा डे का कैसा एक्सपीरियंस रहता है. आप लोगों ने राइड एक्सपीरियंस तो देख ही लिया है. राइड हमारी बहुत ही खूबसूरत थी. शाम को हमने जाके थोड़ा बीचेस पे चिल किया. और एकदम लेस क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है ये जगह. तो मज़े आ गया. सुबह भी मैं गया हुआ था ब्लैक सैंड बीच पे स्विम करने. द सी वॉज सो काम एंड द वाटर वॉज सो क्लियर कि भाई मज़े ही आ गए कि बाहर ही आने का मन नहीं कर रहा था. बट अगर सारा दिन ओशन पे सी साइड पे ही रहेंगे तो फिर बाकी क्या एक्सप्लोर करेंगे. तो इसलिए मन को थोड़ा रोक लिया और अभी तैयार होके निकल गए हैं एक्सपीरियंस करने वर्कला को. बट व्हेन यू कम टू अ कोस्टल प्लेस आपको ऐसे अंदर अंदर इलाकों में ही घूमने में मज़ा आएगा. मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ऐसे अंदर अंदर इलाकों में घूमने में. आज भी काफ़ी जगहें बंद लग रही हैं. कुछ शॉप्स वगैरह पीछे भी बंद थी या फिर यहाँ का कुछ हिसाब ही ऐसा है. यहाँ पे घरों के कलर्स बड़े यूनिक हैं और हर घर में थोड़ा पिंक येलो तो हमेशा मिलेगा ही. बहुत ही ऐसा और घर सुंदर भी बहुत है यहाँ पे. बहुत ही ज़्यादा सुंदर. तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं कापिल बीच. यहीं कहीं पे बाइक पार्क करनी होगी आगे और फिर वहाँ से बीच की तरफ वॉक करके जाना पड़ेगा. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बीच इज़ बीच में बीच है. राइट साइड पे बैक वाटर है और फिर उसके लेफ्ट साइड पे पूरा सी है. सो दैट मेक्स इट लुक ब्यूटीफुल. आप देख सकते हैं इधर बैक वाटर है और थोड़ा बीच लैंड है, उसके बाद सी है. तो यहाँ पे मैं मैप में देख पा रहा हूँ कि बीच की तरफ हम जा सकते हैं. लेट्स सी कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स बिटवीन बैक वाटर एंड द सी. सो लुक्स लाइक कि जा सकते हैं, लोग गए तो हुए हैं. बट ये जो बैक वाटर है उसको कैसे क्रॉस किया जाए. ओके ओके, तो वहाँ पे एक ब्रिज है, आई थिंक वो क्रॉस करके हम लोगों को जाना पड़ेगा. और ये यहाँ का बैक वाटर है, उसके बाद बीच है और उसके बाद हमारा सी आ रहा है. तो उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ सीन है वहाँ पे. लोग तो काफ़ी दिख रहे हैं. वाओ, सुंदर तो बहुत लग रहा है बट जाना कहाँ से है. ये तो जाने का सीन नहीं समझ आ रहा भाई. यहीं से तो नहीं जाने का है या आगे से है. I don't know. और यहाँ
यहाँ पे हमारे को एक दो राइडर्स मिले हैं, आई थिंक कपल हैं ये, कर्नाटका से ही हैं, और वाओ नाइस। तो निकले होंगे ये लोग भी एक अपनी अमेजिंग जर्नी जीने के लिए। सर कापिल बीच स्ट्रेट है, यस यहीं से जाना है। इधर बैक वाटर, इधर सी, और बीच में हम ऑफ रोडिंग सैडलिंग करते हुए, वाओ मजा ही आ रहा है, मजा ही आ गया गाइस। पार्किंग अभी कर दी है और अभी यहाँ से थोड़ा सा तो वॉक करना पड़ेगा हमें, लेट्स सी कितना। एंड आई एम हियर एट कापिल बीच, और पहले हम इसका बैक वाटर का व्यू दिखा देते हैं यहाँ से। ओके सही जगह लग रही है, बहुत ही सही लग रही है, और वहाँ पे लोग मत पानी में खेल रहे हैं और भाग रहे हैं एक्चुअली, और स्प्रिंट मार रहे हैं। तो ये है बैक वाटर, और इस साइड पे हमारा पड़ता है बीच, तो कहते हैं कापिल बीच। आगे तक जाने वाले हैं हम लोग, वो और ये है कुछ संगम बैक वाटर का और अरेबियन सी का। यहाँ से मस्त ओपनिंग बना रखी है, आई एम श्योर कभी ना कभी तो ये वाटर बॉडी कनेक्ट करते होंगे जब बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो। एंड दिस इज इट, फाइनली एट कापिल बीच। काफ़ी बड़ा बीच है देख सकते हैं आप लोग, और सुंदर भी है, पानी काफ़ी साफ लग रहा है। स्विम करेंगे नहीं अभी, बट थोड़ी देर चिल करेंगे यहाँ पे और निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। टिल देन एंजॉय द बीच गाइस। तो मैं अभी हूँ मैंग्रोव फॉरेस्ट की रोड पे। मैंग्रोव फॉरेस्ट में हम लोग जाके कायाकिंग करने वाले हैं, देखते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, और बोटिंग कायाकिंग और इस सब एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। यू कैन सी मैंग्रोव विलेज इज लाइक दिस, मैंग्रोव स्पॉट 1 किलोमीटर। और ये भी एक स्पॉट है जहाँ से भी कयाकिंग स्टार्ट होती है, पूरा ऐसे घूम के फॉरेस्ट वगैरह और बैक वाटर्स में जाना पड़ता है। तो पीछे एक जगह है, मैं वहीं से सोच रहा हूँ कि वहीं से कर लेते हैं, देखते हैं उनके क्या चार्जेस वगैरह हैं। Grooving at the mangrove. भाई को देख लो, भाई एकदम ही foreigner feel ले रहा है अपने साथ। I met 3 friends, Vidyasagar, Sana, and Shikhar. Hi guys. So these 4 are enjoying mangroves, the mangroves, and trying to figure out कि यहाँ से कहाँ निकलने वाला है रास्ता। So check out करते हैं। और ब्रदर व्हाट्स योर गुड नेम? नेम अनिल। एंड वी हैव आवर क्या बोलेंगे इनको, बोट राइड वाले को, वी आर अ कैप्टन अनिल टेकिंग अस फ्रॉम द मैंग्रोव्स। एक साथ में लगेगा तेरे भी शिखर। अगर
अरे व्हाट द हेल, शिट, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी गाइस, वाओ। अरे 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 गोप्रो ही नजर गया हाथ से। Coming this side now. There are some people coughing. Wow. So अभी हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं और आई गेस वहाँ से बाहर निकलेंगे या वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेट्स चेक इट आउट। टू स्पॉट्स, लेट्स फाइंड आउट। सनाज लाइक अरे कहाँ फंस गई मैं। Oh, there's one more boat. From the Varkala vlog guys, I hope you enjoy the video and I'll see you in the next vlog. Till the time, see you, bye bye, take care and have a great day.